गाइस, आज है फाइनली श्रीनगर ट्रिप का सेकेंड डे और मैं अभी जस्ट उठा हूँ। सो अभी जस्ट स्लीपर्स वगैरह पहन लिए, अब कर्टन्स वगैरह हटा के देखते हैं बाहर का क्या सीन है। दरवाज़ा भी खोलते हैं, लेट्स सी कैसा मौसम है। ओहो हो, काफ़ी ठंडी हवा आ रही है, काफ़ी ठंडा मौसम हो रखा है और बिल्कुल शांत वातावरण है, कोई भी नहीं उठा है, मैं ही उठाऊँ लग रहा है। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो इट्स माय सेकंड डे इन श्रीनगर एट दिस रिजॉर्ट, द सिट्रस रिजॉर्ट। और अभी सुबह के 5:38 हो रहे हैं एंड अभी टेम्परेचर एकदम ही बिल्कुल ड्रॉप डाउन हो गया है। सब हम रेडी होंगे और आज हम जाएंगे सारे सोनमर्ग, तो इस व्लॉग में सब कुछ कवर करने वाला हूँ मैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जाके मैं रेडी हो लेता हूँ फटाफट नहा वगैरह के एंड उसके बाद मिलते हैं आपसे। ओके बाय। सो नहाने से पहले मैंने सोचा प्राणायाम और थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर ली जाए और ओम चैंट कर लिया जाए। सो एज एक्सपेक्टेड, मुझे पता था और मुझे लगा ही था कि मज़ा आएगा ठंडा पानी से नहाने में, बट पता ही था श्रीनगर का लाइक पानी भी ठंडा होता है, बट यार जो पानी मिला है ओए होए होए होए, इतना ठंडा चिल्ड मज़ा आ गया। जगूजी वाली फील तो मैंने वॉशरूम में ही ले ली, एकदम नेक्स्ट लेवल। अब इतनी फ्रेशनेस आ गई है ना कि मतलब 2-2.5 घंटे की नींद भी बढ़िया चल जाएगी आज पूरे दिन सोनमर्ग में। बाकी अब हम तैयार होते हैं फटाफट, और भी थोड़ी दिखाता हूँ चीज़ें, उसके बाद हम जाते हैं सोनमर्ग, फिर मिलते हैं हम वहाँ पे आपसे। टिल देन टेक केयर। सो फाइनली हम सोनमर्ग पहुंच गए हैं और ये कुछ नज़ारा है सोनमर्ग का, घोड़े वगैरह हैं और अब कुछ खा लिया जाए तो ये हमें मिले हैं, जैसे गोबर के उपले होते हैं वैसी ही बिस्किट है। लेकिन गाइस दिस वाज अमेजिंग, और इसके बाद चाय पीने का मज़ा ही अलग था और पापा और अंकल मस्त चाय पी रहे हैं इधर। फाइनली हम आ गए हैं सोनमर्ग 2-2.5 घंटे के ट्रैवल के बाद, आप व्यू देख सकते हैं थोड़ा बहुत, नेक्स्ट लेवल व्यू है गाइस। मतलब धूप है लेकिन ठंडी ठंडी हवा लग रही है एकदम मस्त, तो बहुत क्रेजी है। देखो घोड़ा ला रहे भैया, अब मैं आगे की ट्रैवल आपको दिखाता हूँ, स्टे ट्यून्ड, बाय। सो वहाँ नीचे सोनमर्ग से हमने जीप कर ली है, मतलब जीप क्या तवेरा होती है शेवरोलेट की, प्रॉपर 7-8 लोगों को बैठाते हैं और ये अब लेके जाएंगे ऊपर 0 पॉइंट सोनमर्ग तक, तो बीच के व्यूज दिखाता हूँ। ये देखो गाइस नज़ारा देखो एक बार आप, इतना मतलब ब्रेड टेकिंग व्यू है ना, नेक्स्ट लेवल। सो ये हम जा रहे हैं ये तवेरा में, सब कुछ एक्सप्लोर करते हुए, ड्राइवर भैया बता रहे हैं कहाँ पे कैसी क्या चीज़ है, और इतनी पतली पतली नैरो रोड सी कि मतलब डर भी लग रहा था बट इट वाज क्वाइट एडवेंचरस यार। ये देखो आप लोगों के लिए मैंने कुछ कैप्चर की है, ये भेड़ बकरी। सो ये अब हमने बिल्कुल साइड में गाड़ी रोकी है ताकि हम एकदम से नज़ारा ले सकें बिल्कुल पास से और वीडियो वगैरह फ़ोटोज़ वगैरह ले सकें, भैया ने रोका है साइड में स्पेशली इसलिए। और ये नीचे जो आप देख रहे हो यहीं कहीं से अमरनाथ की यात्रा भी शुरू होती है।
तो अभी इस टाइम पे इतना अच्छा फील हो रहा है ना कि मतलब एक तो हम यहाँ पे आए, स्नो भी दिखी और रास्ते इतने मस्त, लेकिन एक रिग्रेट रहेगा कि अमरनाथ की यात्रा जब शुरू होने वाली है वो 6-7 दिन बाद होने वाली है और हम वो मिस कर देंगे। तो उस चीज़ का रिग्रेट लाइफ में रहेगा ही हमेशा कि हम इतनी पास तक गए बट अफसोस वहाँ अमरनाथ यात्रा नहीं कर पाए हम। बट ठीक है, अगर इसको हम पॉजिटिव वे में देखें तो हम इतनी पास जाके हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाए विद थिन थिन नैरो रोड्स एंड इतने ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ के साथ। तो सो थिंकिंग पॉजिटिवली, आधा ग्लास भरा हुआ देखते ना कि खाली। एक तो जाते जाते मैं पता नहीं क्यों ऐसा सोच ही रहा था कि अगर सामने से कुछ आ जाए तो क्या होगा, और मतलब थोड़े टाइम में कुछ वैसा हो गया तो मैं दिखाता हूँ क्या हुआ एग्जैक्टली। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे मतलब ड्राइवर्स के म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन के बेसिस पे गाड़ी चलती है। उधर से ट्रक आ गया है, पीछे जो लाइन में गाड़ियाँ थी वो भी अपने आप को बिल्कुल साइड साइड में दबा रही है, मतलब ऑलमोस्ट हम लोग खाई के बिल्कुल साइड में है, लेकिन किसी तरह म्यूचुअल, और पीछे जो गाड़ी आती है वो वहीं रुक गई हैं और रिवर्स हो रही है। तो बहुत तगड़ा म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन होता है ड्राइवर्स का। ये देखो, ये पीछे जो एक तवेरा है बिल्कुल कितनी पास खड़ी है, कितना रिस्की है, बट क्या कर सकते हैं, रोड ही इतनी पतली है और यही सेम जाती है रोड आगे ले लद्दाख तक, तो आप समझ सकते हैं कि कैसी रोड है। अब क्योंकि मैं आपको उतना बारीकी से दिखा नहीं पा रहा, लेकिन मैंने सोचा कि चलो मैं पीछे की वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दिखाता हूँ कि देखो गाड़ियाँ आती कैसे। आप देख सकते हैं पीछे गाड़ियाँ कैसे आ रही हैं, और आप रोड देखिए, और यहाँ पे ऊपर झरने वगैरह से पानी आता है जिससे और मतलब रोड्स डेंजरस हो जाती हैं, स्लिपरी हो जाती हैं। यही सेम चीज़ ठंड में तो बहुत ज़्यादा स्लिपरी वगैरह हो जाती हैं। सो ये है कुछ नज़ारा यहाँ की रोडों का। सो अभी हम पहुँच गए हैं और ये गम्बूट्स ले लिए हैं। सो ये पहन लिए मैंने अपने गम बूट्स जो कि आपको वहाँ पे इजीली रेंट पे मिल जाएंगे, और ये है कुछ नज़ारा 0 पॉइंट का। हवाएं हैं तो थोड़ी बर्फ भी उड़ाई जाए। ये क्या बात है, आओ भाई पानी देखे कैसा ठंडा ठंडा है, अमेजिंग ब्रो। आराम से बहुत चिल बता भाई पानी। अरे भाई ओ ओपी ब्रो अमेजिंग, देव पर पानी बाबा की। नहीं चल ले चल। सो चाहे आपके खुद के शूज हो चाहे गम बूट्स हो, को मेहनत तो करनी पड़ेगी चढ़ने के लिए और अपने पैर को रिजिस्ट करने के लिए ताकि आप फिसले ना। यहाँ पे बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और एडवेंचरस एक्टिविटीज़ देखने को मिल जाएंगी, स्नो बाइक मतलब डिफरेंट डिफरेंट नाम से, अलग अलग रेट हैं, जितना बार्गिन कर सको कर लो, मारो मौज। लेट्स गो गाइस, लो थोड़ी बर्फ थोड़ी बर्फ। अबे उठ इट वाज सुन रहे हो, वीडियो चल रही है, लो थोड़े बर्फ खा लो तुम भी। ये तो गाइस अब हम ऊपर जा रहे हैं, बर्फ पे ऊपर जा रहे हैं, मेंशन तो करो कहाँ ऊपर जा रहे हैं। हम जा रहे हैं बस, हाथ पकड़ लो एक दूसरे का, हाथ पकड़। अरे सर क्या पकड़ रहे हो, अरे चलो चलो चलो, अरे फिसल रहा है कोई धक्का दे रहा है, अरे ये लो सर पूरा घूमेगा नीचे, अरे बड़ी करूँ ये लो, ये है लो। अमेजिंग अमेजिंग, इट्स जस्ट इनक्रेडिबल प्लेस गाइस। एक तरफ सूरज, एक तरफ ठंडी हवा, बर्फ, ठंडा पानी, नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल। मतलब ज़रूर आना चाहिए, ज़रूर मतलब बिल्कुल ज़रूर आइए यहाँ पे एक बारी। सोनमर्ग से गाड जीप से वो 37 किलोमीटर के आसपास है, थोड़ा दूर पड़ता है। जो भी रेट होगा उनका थोड़ा ज़रूर बार्गेन कर सकते हैं आप हम लोगों का, क्योंकि पूरा ग्रुप है, बड़ा बैच है 33 पीपल का, तो थोड़ा हमें लेस कॉस्टली पड़ता है। लेकिन ठीक है, अगर आप इतना स्पेंड करके आ रहे हैं फ्लाइट वगैरह सब कुछ का खर्चा, तो वर्थ विजिटिंग और मज़े सब तो ठीक है, बट फोटोज आर मैंडेटरी ब्रो। तो एक पहला पोजिए, दूसरा पोजिए, ये तो मैंडेटरी है ना भाई।
अच्छी खासी यहाँ इंडिवियर फंस गई है बर्फ में, इसको तोड़ तोड़ के निकाला जा रहा है। बताओ इंडिवियर जैसी भी गाड़ी फंस गई। आओ भाई अपने बूट्स वापस देते हैं एंड देन चलते हैं। क्या है कोल्ड ड्रिंक्स है कोई? कुछ ना है, चलो ये मिली पानी की बोतल 50 रुपए में, इन भैया से लिए, चाहे रेट जो भी हो लेकिन पहाड़ों में भाई इस व्यू के साथ मैगी का खाना इस मतलब मौजा ही मौजा। सो अब हम चले वापस नीचे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था जीप से, वहीं वापस जा रहे हैं। आप रोड देखो यहाँ पे कैसी नैरो नैरो दूर से दिख रही है। सो अब हम चले, ये देखो ये झरना कैसे है, इतना सारा पानी आता है सड़क पे, देखो कितना पानी आ रहा है। सो अगेन आप लोगों को दिखा रहा हूँ कितनी नैरो रोड्स हैं और बिल्कुल ब्लाइंड कर्व्स हैं, लेकिन लाइफ में अगर हो सके तो एक बार यहाँ ज़रूर आएँ। ये तो हमारा ग्रुप टूर था, वरना फैमिली के साथ तो मतलब आने नहीं देते, खुद ही नहीं आते घर वाले भी, क्योंकि है थोड़ा रिस्की, बट हायर द रिस्क हायर द चांस ऑफ रिवॉर्ड। तो डू कम विद योर फैमिली रिलेटिव्स फ्रेंड्स एंड ईयर एंड ईयर वंस, मतलब लाइफ में एक ट्रिप तो ऐसी होनी चाहिए ना। अभी आप देखो आपको नीचे वो कट कैसा दिख रहा है, एकदम गोल घूमना बिल्कुल वहाँ से, ये जो गाड़ी आगे जा रही है ना सिलेरियो, देखो कैसा कट है बिल्कुल गोल घूमता हुआ। सो मतलब मज़ेदार है बिल्कुल, चक्कर आए उल्टी करो चाहे जो मर्जी करो, लेकिन आओ ज़रूर मज़ेदार है। अजी वाह आप ही का तो स्वागत था, आइए आइए। अरे भाई 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 भाई, अरे मोरी मैया कैसे निकलेगी। अरे भाई 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 निकल गई निकल गई, देख रहे हो विनोद म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन कैसे चलता है यहाँ पे ड्राइवर्स का। ऑलमोस्ट अब हम लोग पहुंचने ही वाले हैं नीचे, मतलब जहाँ पे चढ़ाई करी थी। अब इस टाइम तक सारे थक चुके हैं, माता श्री की हालत ख़राब है पीछे बैठ के, इधर पिताश्री हैं अंकल हैं सब बैठे हुए हैं मस्त। सो ये अभी तक हमने वीडियो में देखा था, बट आते वक्त हमने यहाँ पे अपनी ट्रेवलर रोकी ताकि हम इसका थोड़ा नज़ारा ले सकें, और फिर अब हम जाएंगे इसके पानी का एक्सपीरियंस करेंगे। फाइनली अब सारी चीज़ें एक्सप्लोर करके मस्त बस से व्यू लेते हुए हम जा रहे हैं वापस रिजॉर्ट, और आज का दिन वॉज गुड, डे वेल स्पेंट। तो अब हम जा रहे हैं वापस, और ये है नज़ारा वापस जाते हुए का, बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है। तो फटाफट से रिजॉर्ट जाते हैं और जल्दी जाके सो जाते हैं, बहुत थकान हो रही है आज फिर से। तो फाइनली सुबह के 7:30 बजे के निकले हुए, अब हम 8 बजे आ गए हैं, रिजॉर्ट में फटाफट से। ये हमारी धन्नो जिससे हम ट्रेवल कर रहे हैं, चलो अंदर। और ये सारे चकनाचूर हो के वापस जा रहे हैं किसी तरह गिरते पड़ते, तो चलो भाई फाइनली 8 बजे पहुंच गए। ओ भाई बहुत थक गए यार, फाइनली तो 2-3 दिन से रात को नींद पूरी नहीं हो रही, कभी प्रोजेक्ट वर्क करना, फिर सुबह जल्दी एयरपोर्ट निकलना, फिर कल रात को लेट सोना एंड देन आज सुबह निकलना। अब मिलते हैं कल की वीडियो में, चलो जाओ जाके सो जाओ तुम लोग भी, बाय।